हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का, ठीक, कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यानी जो सितंबर में आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो रही है, होने वाली है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी प्रश्न दिए गए, 19 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी का मैंने सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ, पूरा बाकायदा आपको समझा हूँ, ताकि आप लोग के नंबर अच्छे आ सकें और आप लोग अच्छी परीक्षा दे सकें, त्रैमासिक परीक्षा अच्छी दे सकें। ठीक, चलिए, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारी त्रैमासिक परीक्षा में कितने नंबर आने वाले हैं और हम पर कितना सीख, हमने कितना नहीं सीखा है। ठीक, तो चलिए, तो आप लोग सामने कुछ प्रकार से पेपर भी रहेगा जो आप देख सकते हो। चलिए, तो सब बताओ स्टूडेंट, आप लोग के सामने आने वाले हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प आपके सामने 8 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में? 8 नंबर में, जिसके सामने आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है और सही एक सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए हम शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न लगा आप लोग सामने, पराकड़ को बाह्य बने, पराकड़ की बाह्य भित्ति बनी होती है, जो पराकड़ होता है उसकी बाह्य भित्ति काय की बनी होती है, तो वो बनी होती है आपकी एस्पोरोलिन से। कहा से? एस्पोरोलिन से। ठीक, तो आपका खा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगला लगा आप लोग सामने दूसरा, जिसमें लगा सेब में फल का खाद्य भाग है, जो सेब होता है उसका फल, जिसमें लगेगा आप लोग मासल, इसमें लोग मासल पुष्पक्रम पुष्पासन, यानी कि घाघड़ी का आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला तीसरा, जिसमें लगा शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो मुखिक गर्भ निरोधक, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, इसमें हो जाएगा एंजाइम। एक मिनट बच्चों, इसमें गलत दिया, शुक्राणु के एक्रोसोम में पाया जाता है तो एंजाइम पाया जाता है। खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लगा सहेली है, तो इसका है मुखिक गर्भ निरोधक, यानी काकूदर स्थान सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला है लोग सामने 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में देखते हैं हम लोग, लिखा है डाउन सिंड्रोम, यानी डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने 21वें, यानी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 6वां, हीमोफिलेरिया, यानी हीमोफिलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, जो गलत है कथन किया है तो कौन सा गलत है, तो इसमें हो जाए आपका यह एक प्रभावी रोग है, मतलब कि ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 7वां, जिसमें एक न्यूक्लिक सोम में शामिल होता है, तो क्या होता है शामिल, तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लियोसोम कोर तथा एस्ट्रोजन दोनों का, मतलब कि आपका ग गमला का सही होने हो जाएगा। ठीक, अगला लगा आप लोग सामने 8वां प्रश्न, जिसमें लगा है कोड में समापन कोडान होता है, जो कोड में समापन कोडान होता है तो क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब कि जो कोडोन में कोडोन होता है, तो ये तीनों पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट, मैंने आपके सामने सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए जो आप देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, तो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं जो आप लोग सामने इस प्रकार रहेंगे, लिखा मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम हो ना, कन्फ्यूजन रहे। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, नारियल में खाद्य भाग होता है, जो नारियल में जो खाद्य भाग होता है तो वो क्या होता है, तो इसमें लोगों को पराकोष की सबसे आंतरिक परत होती है, तो क्या होती है, तो खा खरगोश में लोग आप लोग पेटेपिटम, गगमला मानव है, गगमले लोगों मानव है, तो मानव क्या है, तो लोग सजीव, एक मिनट, सजीव प्रजम प्रजक, ठीक, प्रजक, तो ये गगमले में भरोगे। घड़िया स्त्री में निषेचन में संपन्न होता है, तो इसमें लोग फेलोपियन, क्या लोगे, गमले का घाघड़ी में लिखोगे हम लोग फेलो पियन है, क्या लोगो, पियन है ए,
फिर लगा जो 4 चम्मच घड़ी का सेड़ा। मानव संख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है, तो आप लोग लिखोगे इसमें डेमोग्राफी, डेमोग्राफी इस प्रकार से लिखना है, ठीक, डेमोग्राफी, ठीक। चलिए अगला लगा 4 चम्मच का, 4 चम्मच लगा किसी जीव के प्रेक्षणीय लक्षण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो आप लोग लिखोगे प्रूफ फिनो टाइप, क्या लोगे, पेरूप फिनो टाइप, ठीक, ये हो जाता है। छा छा देखा लिखा है एम आर एन ए का संश्लेषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो लोगे अनुलेखन, अनुलेखन। जहाज में खालिस्तान ने सबसे पहले सेंट्रल डोंगमा प्रस्तावित किया, तो लोगे फ्रांसिस केक, किसे, जहाज में लिखोगे लोग फ्रांसिस, फ्रांसिस क्रिक, ठीक, ये हो जाएगा। तो आपके क्या हो गए, सही जो सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक मिनट, एक शब्द एक वाक्य होता है, ठीक, एक शब्द एक वाक्य जिसमें लिखा है बहुभूर्ता किसे कहते हैं, ठीक। चलिए तो हम देखते हैं बहुभूर्ता किसे कहते हैं, तो मैंने इसके लिए एक मुझे वहाँ पर फोटो निकाल ली थी, जिससे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, जो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा बहुभूर्ता किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, दो सिस्टम, दो सिस्टम जैसे कुछ आबद्ध आबद्ध बीजों के बीजों में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करने की परिघटना बहुभूर्ता कहलाती है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, एक शब्द एक वाक्य आंसर, पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए नहीं हो तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। दूसरा लगा आप लोग सामने, मनुष्य के नर व मादा प्रथम जन्म अंक क्या है, तो चलिए इसका लोगो का लो, इसके लोग लो, एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, अभी दूसरा वाला छोड़ दीजिए, तीसरा वाला कर देते हैं। इसका आंसर अभी मैं लिखा नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों गलत मैं करवाना नहीं चाहता, इसलिए सही से करेंगे। कागमला किसने दो जीवाणु यौन जनरित रोगों के नाम लिखिए, तो आप लोग होगे पहला लोग होगी सिफिलिस और गोनोरिया, पहला लोग होगी सिफिलिस, दूसरा लोग गोनोरिया। तो ये आप लोग सामने तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चौथा लगा घाघरिया, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था सन 1991 में, ठीक। चलिए इसका अगला आंसर देख दें, सहन, दो सहलंगता को परिभाषित कीजिए, इसकी आंसर इस प्रकार से लोगे, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन सहलन लीन तथा उनका एक तथा वंशागत होना संलग्नता कहलाता है। तो ये आपको 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला 6वां, जिसमें मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, जो मानव होता है उसमें निर्धारण किस क्रोमोसोम के द्वारा, तो सभी लोग जाते हैं गुण एक्स वाई के द्वारा, ठीक। इसमें आप लोग उत्तर लिंग गुण सूत्र एक्स वाई के द्वारा, तो ये 6वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। 7वां लगा है नाइट्रोजन, यहाँ पे डी एन ए की गढ़, जो डी एन ए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो इस 6वें का आंसर है, मतलब 6 सप्ताह का, इसमें लोग आप लोग जीन, इसका आंसर हो जाएगा जीन, 7वें वाला जीन है, ठीक है, 6 सप्ताह का जीन हो जाएगा, ठीक। जहाज का है नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोरोज सरका के बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो आप लोग एन ग्लाइकोसिड बंध। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आप लोग सामने आप है क्या एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। इस बात पर स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट यही फायदा होगा, अगर मान लीजिए जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो अभी जैसे आपको मैंने जीव विज्ञान का यही बताया, फिर मैं आपका रसायन शास्त्र का बताऊँगा, ठीक, फिर आपका मैं फिजिक्स का बताऊँगा, इसी प्रकार से फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, तो अर्धवार्षिक में इसी प्रकार से अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपकी बाद से परीक्षा में तो और अच्छे समझाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पेपर को आपको ऐसा लगेगा सर ने जो बताया वहीं आया, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोगों ने कर ही लिया, जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात, जिन लोगों ने किया है कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग उसको फ्री है, बिल्कुल वीडियो फ्री पूरा देख सकते हो, आप लोगों को पैसा नहीं लगना। अगला आप लोग सामने सही जोड़ियाँ बनाइए, क्या है सही जोड़ियाँ बनाइए, तो सही जोड़ियाँ भी हम आप लोगों के सामने बनाऊँगा बाकायदा, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक। चलिए तो पहला देख रहे हैं, तो पहला लगा है कोमेलिना, ठीक, तो कोमेलिना का मिला हुआ है आप लोग काकुदर का मिला हुआ है आप लोग काकुदर मिला हुआ है अनमूलिन प्रागृत से मिला हुई, इसका मिला हुआ है आप लोग जीव वाले थे इससे मिला हुआ, ठीक, डी जी
एच, यहाँ पर एच लिख देता हूँ एच। तो मैं इसको सही जोड़ियों को स्टूडेंट मैं लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर दिए गए हैं फिर यहाँ पर दिए गए हैं, तो बार बार देखेंगे तो कन्फ्यूज रहेगी, तो आप लोग भाई इसको छोड़ दीजिए ठीक। तो इसको मैं बता दूँगा आपको, कुछ टेंशन नहीं है, वो मैं लिख के दिखा दूँगा ठीक। चलिए तो तब तक आप लोग ये देख लीजिए क्या प्रश्न होता है ठीक। तो जैसे पाँचवा प्रश्न लगा सामने, पुष्पी पादप, एक मिनट में पाँचवा प्रश्न लगा है, पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है। जी दो दो नंबर में है सारे के सारे, तो अथवा में अंडोत्सव को परिभाषित कीजिए। तो या तो आप लोग एक कर सकते हो या एक कर दो, तो दो में से आपको कोई एक करना है ठीक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने इस प्रकार से, पाँच में लिखा था पुष्पी पादपों के बीज की बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे जी है, इस प्रकार से दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा। हाँ तो पहले कहेंगे आप लोग, बीज निर्माण निषेचन के लिए बाहर जल की अनिवार्यता समाप्त कर देना, अतः यह विशेष स्थलीय अनुकूलन है। दूसरे लोग बीज प्रकीर्णन में मदद कर पौधे के नए आवासों में पहुंच बनाते हैं। तीसरे लोग बीज में संचित खाद्य पदार्थ नवाकुर को तब तक पोषकीय आपूर्ति जारी रखता जब तक पौधा स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण प्रारंभ नहीं कर देता। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे पाँचवें प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है, दो नंबर आपके पक्के हो जाते हैं ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकेंगे, बाकायदा आपको पढ़ेंगे, बाकायदा सीखेंगे, याद करेंगे ठीक। अब अथवा वाला भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि दो में से आप कोई भी रख सकता है वहाँ पर, दो में से किसी एक आ सकता है ठीक, तो दो नंबर में आना है। फिर लगा छठवां, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, या अथवा बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे छठवें का लिखेंगे हम लोग कौन सा, ये लिखेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ बेबी वाला ठीक, ये वाला लिखेंगे जी। इसके आंसर हाँ अब दिख रहा होगा, यहाँ से लिखेंगे, इस पूरी तकनीक को आमाजन की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहते हैं। अगर भ्रूण को आठ को उसी अवस्था में फेलोपियन नालिका में स्थापन किया जाता है तब यह नर को फेलोपियन, तो इस वजह से एक मिनट हम अच्छे से दिखाऊँ ताकि आप लोग अच्छा दिखना चाहिए। देखो अब रोको आप वीडियो को, अब वीडियो को रोको हाँ, अब इसको पूरा तरह से सीखो पढ़ो ठीक। चलिए आगे आप लोग सामने प्रश्न नंबर सात है, जिसमें लगाया चार गोप का नियम लिखिए ठीक। तो चार या अथवा में लिखा था आर एन ए की कैप्टन महत्वपूर्ण, तो आप लोग चार गोप का नियम लिखना है। तो इसका नियम आप लोग इस प्रकार रहेगा ठीक। हाँ वीडियो को रोको एक मिनट, अरे रोको वीडियो को, नहीं दिख रहा, रोको आप देखिएगा। हाँ अब वीडियो को रोको, पूरा समझो से ठीक। या आप लोग अपने आपके पास भी कोई बुक होगी तो क्वेश्चन को देखो, आप लोग आंसर भी लिख जाते हो। अब प्रश्न क्रमांक आठवां, जिसमें लगा है सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं, उसका कौन सा भाग फल रचना करता है। तो इसका आंसर आप लोग सामने ये रहा। तो इसको वीडियो को रोकना है वो रोक लीजिए, हाँ अब पढ़ लीजिए, तो पूरा याद कीजिए क्वेश्चन नंबर आठवीं का आंसर ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने है, किसी व्यक्ति को एवं संजय रोग से बचाव हेतु क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो भैया ये सभी लोग जानते हैं, इसको समझाने की मुझे कोई बात नहीं है ठीक। अब आप लोग कक्षा बारहवीं पढ़ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं ठीक। तो ये भी आप लोग समझदार हैं, ये दो नंबर में आएगा तो आप लोग इसको लिख सकते हो ठीक। इसमें सामने वाली कोई बात नहीं, सभी लोग जानते हैं ठीक, वो किताब में लिखा है तो हमको पढ़ना भी चाहिए। चलिए अगला आप लोग सामने है प्रश्न क्रमांक दसवां, जिसमें लिखा है स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो प्रमुख भूमिकाओं की सूची लिखिए ठीक। तो हम दसवीं का आंसर ये है, एक मिनट अब वीडियो को रोकें, आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक ग्यारहवां, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखना है। तो ये अंतर तो बहुत ही सरल है, सभी बच्चों पे बनता है, एक मिनट हाँ अब बना, वीडियो को रोकें पूरा लिखें ठीक। चलिए अगला जनसंख्या विस्फोटक कौन कौन से कारण सुझाव देता है। तो ये रहा जनसंख्या विस्फोटक का आंसर, हाँ जो मृत्यु दर में आई कमी, मृत्यु दर एम आर में आई, इस प्रकार से वीडियो को रोके पूरी तरह से लिखें समझे ठीक। चलिए अगला तीरामा, डी एन ए पेज स्टोन क्या है मत लिखिए। तो तीरहवीं का आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर तेरहवीं का आंसर, इस प्रकार से वीडियो को रोकना पूरी तरह से पढ़ लेना ठीक ठीक है। हाँ चौदहवें प्रश्न है, दो जीन किस अवस्था में 50% पुनः संयोजन का आवृत्ति पीछे करते। तो चौदहवीं का आंसर ये रहा, वीडियो को रोके पूरी तरह से सीखें और याद करें ठीक। चलिए अगला है पंद्रहवां, क्या कारण है कि मनुष्य की विषण उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। तो ये रहा उसका आंसर जी है,
ठीक है, अब अच्छे से देखा होगा, ठीक। बस वीडियो को रोकना, पूरी तरह से पढ़ लेना, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बेसल व अंडाशय में प्रत्येक दो दो प्रमुख कारकों को लुक कीजिए, ठीक। एक बीज पत्ती दो बीज में अंतर लिखना है, तो एक बीज पत्ती दो बीज में अंतर भी लिख लेंगे हम लोग, तो इसको वीडियो पूरी तरह से लिखेंगे। आप लोग चाहो तो इस पीडीएफ, जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो आपकी परीक्षा होगी उसको मिलेगा। अब देखिए इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। फिर भी वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप लोग क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो। उन क्वेश्चनों के अनुसार आप लोग प्रश्न को आप लोग अपने बुक से उनके उत्तर देख सकते हो, वो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ मैं रसायन शास्त्र का, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।